मैं खाली आप लोग को ना इंटरनेशनल डीन ऑफिस जो है वो दिखाऊंगा, मेडिकल फैकल्टी लेकर चलूंगा, उसके बाद में मैं आप लोग को हॉस्टल वाला एरिया दिखाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज का दिन है 19th of May, सुबह के अराउंड 10:30 बज रहे हैं और आज मेरी क्लास है। आज से मेरी नई साइकिल चालू हो रही है साइकेट्री की, और ये सेमेस्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, लास्ट साइकिल तो यार काफ़ी दिन से आप लोग वेट भी कर रहे हो कि मैं कब अपना कॉलेज का कैंपस दिखाऊंगा, तो यार फाइनली आज वो दिन है, मैं आज आप लोग को पक्का अपने कॉलेज का कैंपस दिखाने वाला हूँ। तो यार फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ, अभी मुझे नोटबुक एक परचेज़ करनी है, बिकॉज़ नई साइकिल है और यहाँ पर ना लिखने का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यार फ़िलहाल चल रहे हैं कॉपी लेने के लिए और नोटबुक लेकर, फिर उसके बाद में क्लास चलेंगे, क्लास अटेंड करते हैं पहले और उसके बाद मैं आप लोग को लेकर चलूँगा अपना कॉलेज कैंपस घुमाने के लिए। तो चलो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फाइनली जो नोटबुक वगैरह है वो मैंने परचेस कर ली है। नोटबुक और प्यास लग रही थी यार, मैंने पानी भी लिया। मैंने प्राइस दिखाया आप लोग को 19 रुपीज़ का, 500 ml है वो खाली। तो यार अभी बस चल रहे हैं, आज क्लास मेरी जैसे मैंने बताया साइकेट्री की है, तो साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल पे है। तो यार चलते हैं, पैदल चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे हॉस्टल से, तो यार बस चलते हैं पैदल पैदल। और यार एज़ फॉर द टेम्परेचर, मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं करी है, मतलब व्लॉग अपलोड नहीं किया मैंने। तो यार एज़ फॉर द टेम्परेचर मैं आप लोग को बता दूं कि यार अब समर अप्रोचिंग नहीं है, अब ऑलमोस्ट आ ही गया है। आज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और 22 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, मतलब आप समझ सकते हो टेम्परेचर जब विंटर्स होती है तो -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाता है। और फिर यहाँ पर +22 डिग्री मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, -30 से +20 मतलब कि कम से कम 50 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। तो यार गर्मी अब होने लग गई है काफ़ी, और देखते हैं आगे और कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। यार पता है मैं ना रास्ता भटक गया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले एक बार और आया हूँ इस हॉस्पिटल में, बट काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ आज ना, तो रास्ता बिल्कुल भटक गया था, बट आई थिंक अभी मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। तो यार फाइनली सही जगह तो आ गई हूँ मैं, अब चलते हैं क्लास व्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यार जो फर्स्ट डे की क्लास है ना वो क्लास अभी ओवर हो गई है, तो अब चलते हैं, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाने के लिए। कैंपस क्या, वन बाय वन बिल्डिंग दिखाऊंगा। तो यार मैं एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना कोई एक डेडिकेटेड कैंपस जैसा नहीं होता है, मतलब रशिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जितना मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है और उसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जैसा अपने यहाँ इंडिया में होता है। बट हाँ यहाँ पर सारी की सारी यूनिवर्सिटी के जो बिल्डिंग्स है ना वो पूरे सिटी पे यहाँ वहाँ स्प्रेड हुई है रहती है। तो यार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार मैं खाली आप लोग को ना इंटरनेशनल डीन ऑफिस जो है वो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग को मेडिकल फैकल्टी लेकर चलूँगा और उसके बाद में मैं आप लोग को हॉस्टल वाला एरिया दिखाऊँगा। और इन बिटवीन अगर ये स्टूडेंट कैफेतरा या फिर कैंटीन वगैरह कुछ पढ़ती है तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। और चलो फिलहाल मैं इंटरनेशनल फैकल्टी के डीन ऑफिस के पास पहुंचने वाला हूं। तो यार चलो, तो यार आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि अगर आप यहां तक वीडियो पे आए हुए हो और आप लोग यूनिवर्सिटी सीरियसली देखना चाहते हो तो यार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एटलीस्ट यहाँ से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप लोग सारी की सारी चीज़ें देख पाओगे। तो यार मैं ना अभी अपनी यूनिवर्सिटी का वो जो इंटरनेशनल डीन ऑफिस है उसके जस्ट सामने पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरे जस्ट पीछे में रशियन पे लिखा हुआ है यालुब्लू चुगव, इसका मतलब है यालुब्लू चुवाजगोरोद यूनिवर्सिटी। तो यार मैं आप लोग को ना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यार पॉसिबल नहीं है। आप लोग जब आओगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को वैसे भी पता चल जाएगी, और प्राइवेसी इश्यूज है और टोक भी सकते हैं यार, और अपन इंटरनेशनल कंट्री में है तो यार प्रॉब्लम हो सकती है, कौन प्रॉब्लम लेगा ना। तो मैं आप लोग को थोड़ी बिल्डिंग दिखाता हूँ और बस देखो। तो यार ये वाली ये जो बिल्डिंग है ये हमारी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल डीन ऑफिस है, और इसके अंदर पे ही इमिग्रेशन ऑफिस है और इंटरनेशनल डीन जो है वो भी इसके अंदर ही बैठ।
तो यार वीज़ा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, वो सारे के सारे इसी बिल्डिंग के अंदर पे होते हैं। मतलब आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है या फिर डीन जो है इंटरनेशनल फैकल्टी का, उससे अगर आपको मिलना है तो भी उससे आप यहाँ पर आकर मिल सकते हो। वो इसी बिल्डिंग पे बैठता है, तो मेरे जस्ट पीछे में है। और अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है यार, मैं चलता हूँ अभी मेडिकल फैकल्टी। आप लोग को अब मेडिकल फैकल्टी की बिल्डिंग्स वगैरह दिखाता हूँ। तो यार मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो इंटरनेशनल डीन ऑफिस है उसके जस्ट बगल में ना यूनिवर्सिटी का कैफ़े है। तो यार मैं आप लोग को वो बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये वाली ये जो बिल्डिंग है ना, ये यूनिवर्सिटी का कैफ़े है। तो इसके अंदर में स्टूडेंट्स वगैरह जब इनका ब्रेक होता है तो यार यहाँ पर भी आते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि यार सारी बिल्डिंग्स जो है ना काफ़ी दूर दूर है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी आया हुआ हूँ बस स्टैंड पे। देखो ये जस्ट मेरे पीछे में बस स्टैंड है। मैं अभी यहाँ से बस लेकर मेडिकल फैकल्टी जाऊँगा। यहाँ से 2 या 3 बस स्टैंड और है, उसके आगे पे है मेडिकल फैकल्टी। तो यार चलो बस से चलते हैं। तो यार मैं अभी मेडिकल फैकल्टी के सामने में आ चुका हूँ। मैं आप लोग को ना खाली बिल्डिंग ही दिखा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। बिल्डिंग में बाहर से दिखाता हूँ आप लोग को और बताता हूँ वहाँ पर अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो यार ये वाली ये जो बिल्डिंग है, ये हमारे मेडिकल फैकल्टी की मेन बिल्डिंग है। और जो मेडिकल फैकल्टी के डीन होते हैं वो इसी बिल्डिंग पर मेनली बैठते हैं। अब व्हाट आई वांटेड टू टेल यू मोर कि ये जो मेडिकल फैकल्टी का डीन ऑफिस है ना, उसके अंदर पे ही डीन बैठता है, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को। और मेडिकल फैकल्टी की जो कैंटीन है वो भी उसी के अंदर में है। मैं थोड़ा सा छोटा सा फुटेज यहाँ पर अटैच कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। और अभी मैं जो मेडिकल फैकल्टी का कैंपस है उसके अंदर में हूँ, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा घुमाता हूँ। अभी मैं एक मेडिकल फैकल्टी की बिल्डिंग के पास में खड़ा हुआ हूँ। मेरे जस्ट पीछे में एक ग्रीन कलर की एक बिल्डिंग आप लोग को दिख रही होगी, ये रशियन में कॉर्पस एस लिखा हुआ है, बट इंग्लिश में पढ़े तो कॉर्पस सी है ये। तो ये वाली बिल्डिंग के अंदर में ना हमारे इंटरनल डिजीज़ और फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सेकेंड ईयर के, मतलब यहाँ पर भी हमारी क्लासेज होती है, इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से। तो यार चलो मैं इसके अंदर में ना चलता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोग को लेक्चर हॉल दिखाता हूँ। और ये हमारे यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और यहाँ पर समर्स के टाइम पे ना जो हमारी फिज़िकल एजुकेशन की क्लास होती है वो यहाँ पर होती है। तो देख सकते हो आप लोग, अभी स्टूडेंट्स लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। और यार एक बिल्डिंग ये हो जाती है, ये हमारे ये कॉर्पस एल है, ये भी कैंपस के अंदर में ही है। तो यार कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस ना इस बिल्डिंग के अंदर भी लगती है। तो ये वाली बिल्डिंग भी खैर हमारे कैंपस के अंदर में ही आती है। और मैं अभी आप लोग को बता दूं कि मैं मेडिकल फैकल्टी के कैंपस के अंदर हूँ खाली। और जो अब मैं आप लोग को बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ ना, ये तो बिल्कुल आप लोग को गांठ मार के रख लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये वाली बिल्डिंग जो है फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिखो, तो यार ये वाली ये जो बिल्डिंग है ये कॉर्पस पी है और हमारे यहाँ की एनाटॉमी बिल्डिंग है। तो यार ये वाली बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनाटॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फाउंडेशन मेडिकल का। तो यार उसकी क्लासेस जो है ना इसके अंदर ही लगती है, और सर्जरी क्लब की जो है उसकी क्लासेस भी इसके अंदर ही लगती है, और टॉप एनेट की क्लास भी इसके अंदर ही लगती है। अब जो मैं आप लोग को बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ, ये वाली बिल्डिंग में विंटर्स के टाइम पे ना हम लोग की फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं। ये ऑडिटोरियम है जो मैंने बताया, जहाँ पर विंटर्स में हम लोग की फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास होती है। तो यार ये यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स वाला रूम है, इसमें ये आर्म रेसलिंग वगैरह और वो जो हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और यार ये जो है ये जिम है, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला ये यूनिवर्सिटी का जिम है हमारा। नेक्स्ट थिंग ये जो है ये कैंपस के बीच में जो है ना थोड़ा सा खुला हुआ एरिया मिल जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं, स्टडी करना है स्टडी करते हैं, धूप आती है तो बैठते हैं। फाइनली मैं मेडिकल फैकल्टी का जो कैंपस है उससे बाहर निकल चुका हूँ, और अब मैं आप लोग को जो हॉस्टल वाला एरिया है उधर पर लेकर चलता हूँ। और यार हॉस्टल वाले एरिया से मेरा मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्टल के एरिया हैं, मैं वहाँ पर आप लोग को लेकर चल रहा हूँ। बिकॉज़ प्राइवेट हॉस्टल भी है बट मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं आप लोग को उस एरिया पे लेकर चलता हूँ। तो यार मैं और एक चीज़ क्या बताना चाह रहा था, अच्छा मेडिकल फैकल्टी से जो ये गवर्नमेंट हॉस्टल है उसके बीच में एक बस स्टैंड पड़ता है, मतलब पहला जहाँ से हम मेडिकल फैकल्टी के सामने से बस लेंगे, फिर वहाँ से उसके बाद एक बस स्टैंड एंड सेकेंड बस स्टैंड जो है वो हमारा होता है, जहाँ से हमें हॉस्टल मिलता है। तो यार अभी मैं हॉस्टल वाले एरिया पर आ चुका हूँ,
और मैं आप लोग को हॉस्टल की बिल्डिंग्स दिखाता हूँ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बिल्डिंग है, ये वाले हॉस्टल नंबर 2 है और ये अभी ही इसे बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब रेनोवेट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे। वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के या फिर गवर्नमेंट के हॉस्टल जो कहते हैं वो हॉस्टल नंबर 1 से लेके हॉस्टल नंबर 10 तक तो मुझे पता है और उसके आगे कितने हैं मुझे पता नहीं है, बट 10 तक आई एम श्योर और मैक्सिमम हॉस्टल इसी रीजन पे है। तो यार मैंने अभी आप लोग को हॉस्टल नंबर 2 की बिल्डिंग दिखाई, अभी मैं हॉस्टल नंबर 3 दिखाता हूँ जो मेरे जस्ट पीछे है। ये वाली है जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आप लोग शीट देख रहे होगे। तो यार ये वाला हॉस्टल जो है ना ये रेनोवेट हो रहा है अभी फ़िलहाल और इसके जस्ट पीछे में हॉस्टल नंबर 4 है, फिर उसके जस्ट आगे में हॉस्टल नंबर 5 है, फिर थोड़ा सा और आगे चल के 6, 7, 8, 9 हॉस्टल तक यहाँ पर है। ये वाला ये जो है ना हॉस्टल नंबर 3 का आई थिंक यहाँ से एंट्रेंस होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है और ये यार रोज़ का काम है हमारा, क्योंकि कॉलेज से आओ तो कॉलेज से आने के बाद में खाना वगैरह का जुगाड़ तो हमें खुद ही करना है, तो पहले जाता हूँ मैं मार्केट। और मेन मोटिव मेरा आज की वीडियो बनाने का यही था कि मैं आप लोग को अपने कॉलेज का कैंपस वगैरह जो भी है वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। तो यार आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो एंड सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर और एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय।